की मां ने आम उपभोक्ताओं को चारों तरफ से घेर रखा है। भले ही हम बात करेंगे सब्जियों की या खाद्य तेलों की या अन्य किसी क्षेत्र की, सभी क्षेत्रों में महंगाई का असर देखने को मिल रहा है। इंदौर भवन निर्माण की सामग्री में प्रयुक्त होने वाली प्रमुख रेती, गिट्टी व अन्य सामग्री बहुत महंगी हो रही है। अगर आप घर बनाना चाहते हैं तो हिम्मत जुटाने के साथ साथ एक बार जेब को मजबूत कर लीजिए। वर्तमान में घर बनाते हैं तो लागत में 15-20% की बढ़ोतरी आ गई है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण रेत, सीमेंट, ईंट और सरिया की कीमत में तेजी से वृद्धि होना है। 38,000 से 40,000 रुपए प्रति ट्रक बिकने वाली रेत के भाव 48,000 से 50,000 पहुँच चुके हैं। ईंट, गिट्टी की कीमत में भी वृद्धि दर्ज की गई है। गिट्टी की बात करें तो 650 प्रति 10 मीटर बिकने वाली गिट्टी का भाव अब 750 रुपए प्रति 10 मीटर हो गया है, जिसके चलते मकान बनाने का बजट 100 रुपए प्रति स्क्वायर फीट बढ़ गया है। दूसरी ओर अगर आशियाना खरीदना चाहते हैं तो भी आपको जेब पर नजर डालनी होगी। भवन निर्माण सामग्री के मार्केट में तेजी आई है। पिछले कुछ महीनों से भाव में तेजी देखने को मिल रही है। भवन निर्माण के उपयोग में आने वाली समस्त चीजें 15-20% की बढ़ोतरी के भाव में मिल रही है। एक्चुअली सर, ये रेती और गिट्टी के रेट इसलिए बढ़े क्योंकि रॉयल्टी के रेट बढ़ा दिए सरकार ने, इसके कारण थोड़ा इजाफा हुआ। जैसे अभी 38-40 रुपए थी रेती का रेट, अभी 48-50 रुपये हो गए, 10 रुपये फीट का रेट बढ़ गया है। गिट्टी थी 650 रुपये करीबन, जो 750 रुपये हो गई है गिट्टी पे 10 मीटर पे, 1,000 रुपये बढ़ गए हैं। हाँ, क्यों, इसके कारण कम से कम 100 रुपये स्क्वायर फीट का मकान रेट बढ़ गया है रेती गिट्टी के कारण। इसके देखते हुए सीमेंट का रेट भी बढ़ गया, अभी सरिया का रेट भी बढ़ा हुआ है। अभी सीमेंट का रेट हो गया 350 रुपये अल्ट्राटेक। हाँ बिल्कुल आई है, 50% ग्राहकी में कमी आई है आज की तारीख में। मेरा विकास प्रधान है और मैं छोटा सा रेती व्यापारी हूँ। अभी रेती की जो व्यापार रेट बढ़े हुए हैं वो कमला सरकार की वजह से बढ़े हुए हैं, वो खदानों से रेट बढ़ते आ रहे हैं। आज गाड़ी मालिकों की ये स्थिति है कि गाड़ियों की किस्त नहीं भरा रही है, कितनी चार चार किस्तों डी हो रही है, 80-80 हज़ार रुपये आई बार डंपरों की किस्तें हमारी वो नहीं भराती हमसे किस्तों में। और इसका कारण ही मुख्य कारण है तहसीलदार और कलेक्टर जो खदानों पर से आवंटित हो रही खदान, वहाँ से जो रेट हो रहे हैं वहाँ से तो रेट रिजनेबल ही है और यहाँ आते आते रेट बढ़ जाते हैं क्योंकि वहाँ खदानों पर रेट पेमेंट कम दिया जाता है, माल कम दिया जाता है और यहाँ ओवर लोडिंग के चक्कर में गाड़ियों में आती है और उन पर चार्ज करके 1-1-2 लाख रुपये दंड हो रहा है रेतियों का। अभी क्या भाव चल रहा है रेती का? अभी रेती का चल रहा है 47 रुपये, पहले पहले था 40 रुपये। और गाड़ी की जो ओवर लोडिंग हो रही है उसकी वजह से रेट बढ़े हुए हैं और ये कमलनाथ सरकार की वजह से हो रहा है जो हो रहा है।